एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी। मैं अनाम आज आपको लेकर आई हूँ अपने इंदिरा नगर के साइट पर, जहाँ पे हमारा एसएस किचन ट्रॉली विद गोदरेज चैनल पूरा फुल रेडी हो चुका है। तो देखते हैं इसका फाइनल व्यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पैरेलल किचन है, ये फ्रंट काउंटर है और ये बैक काउंटर है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट काउंटर से। ये हमारा एलपीजी सेक्शन, यहाँ पे हमारा सॉफ्ट क्लोज डोर और हमारा किचन ट्रॉली टू कलर कॉम्बिनेशंस में है। ये हमारा लैमिनेट है कैपेचिनो और वाइट कॉम्बिनेशन के साथ, और ये हमारी एसएस जे हैंडल है, और ये है हमारी कटलरी बास्केट, दो प्लेन बास्केट्स, पुल आउट, अब ये हमारा कप सासर बास्केट, थाली बास्केट, फिर से कप सासर बास्केट। एक्चुअली आपको पता है ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, तो एक्चुअली हमारे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उनके यहाँ पर कप सासर और थाली का रिक्वायरमेंट मीन्स बहुत ज़्यादा है स्टोर, तो उस हिसाब से हमें उन्हें 4 ट्रॉलीज देनी पड़ी। उनकी ही रिक्वायरमेंट थी कि उनके कप ससर के 2 बास्केट चाहिए और थाली के 2 बास्केट चाहिए, तो सेम टू सेम हमारी कप ससर 2 बास्केट और हमारी थाली 2 बास्केट्स, और एक पुल आउट और है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक पुल आउट और दिया है उन्हें, और हमारे सिंक के 2 डोर सॉफ्ट क्लोज रह गया। तो बैक काउंटर का आपको पता है यहाँ पर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ होंगे, इसलिए इसका डिप काफ़ी कम है, तो डिप के अकॉर्डिंग अभी हमारे क्लाइंट की जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे हम लोगों ने डोर्स दिए, बिकॉज आपको पता है कि इस एरिया में ज़्यादातर हम उस तरह का मटेरियल स्टोर करते हैं, लाइक टाकी और कोठी वगैरह, बड़े बड़े डिब्बे जिनकी लेंथ हाइट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो हम तो बास्केट में नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर जैसे आटे का डिब्बा, राइस का डिब्बा, ये सब लेंथ में काफ़ी बड़े रहते हैं, तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें स्टोर हो जाएगी, ऐसा हमारे क्लाइंट का प्लान था। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे जस्ट शटर दिए हैं। ऊपर के साइड पे हमने 4 डोर्स का क्रॉकरी दिया है। जैसे कि मैंने बताया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, ये सब कस्टमाइज प्रोडक्ट है, तो उसमें हमने ग्लास के 2 शेल्फ डाले हैं और इसमें 1 शेल्फ डाला हुआ है। सारे डोर्स सॉफ्ट क्लोज रहेंगे, और जैसे कि आप ये साइड का पैसेज देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, पूरा प्लेन रखा है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसको जितना चाहे उतना क्लीन रखिए, तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ नहीं किया हम लोगों ने। इसीलिए उनके जो मसाले वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कुकिंग के सामने के फ्रंट पे एरिया पे हमें ज़्यादातर लाइक चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए क्लाइंट को हम लोगों ने ये 2 पुल आउट्स दिए हैं, जिसके आपने यहाँ पर भी देखा यही 2 पुल आउट्स दिए हुए हैं, ताकि वो इन सारी चीज़ों को यहीं पे ऑर्गेनाइज हो जाए और यहीं से प्रॉपरली वो यूज़ कर पाए। तो ये हमने इसीलिए स्पेशली पूरा क्लीन रखा है, बस एक सिंगल चिमनी यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पे हमने कैबिनेट दे दिए, बिकॉज आपको पता है बैक साइड का एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को हमें यूज़ लगेगा, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ हो जाएगा, नीचे साइड पे स्टोर और हमारा कैबिनेट। अब यहाँ पर फ्रिज का प्लान है, फ्रिज इस साइड पर शिफ्ट होने वाला है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अब और कुछ प्लान करने का चल रहा है। फ्लैट थोड़ा छोटा होने की वजह से मैं भी यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ सकती है, या फिर कुछ सिंक का ही प्लान करने वाले हैं, एक्स्ट्रा सिंक, जो कि आपको पता है कभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।